योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में तो सुधार हुआ ही है, इसके साथ ही व्यापारिक और निवेश संबंधी गतिविधियों में भी प्रदेश पर वित्तीय संस्थाओं और निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद से यहां निवेश में लगातार वृद्धि हो रही है। अब उत्तर प्रदेश नए निवेश में शीर्ष पर पहुँच गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में बैंक सहायता प्राप्त निवेश प्रस्तावों में सबसे अधिक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को मिले हैं। वहीं इन कुल निवेश प्रस्तावों में आधे से अधिक हिस्सेदारी 5 राज्यों की रही है, जिनमें क्रमशः उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। इस अवधि में निवेश हासिल करने वाले राज्यों में सबसे नीचे केरल और असम है। उत्तर प्रदेश की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 6 साल पहले कोई उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहता था। उत्तर प्रदेश का नाम सुनकर लोगों में डर पैदा हो जाता था, लेकिन RBI और नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि UP देश में सबसे ज्यादा निवेश वाला राज्य बन गया है। पिछले एक सप्ताह की रिपोर्ट उन लोगों की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए जो कहते हैं उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, क्या बदला है, उनको बताइए। सुरक्षा की गारंटी देने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। निवेश के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में उभरता हुआ उत्तर प्रदेश देश का राज्य है। बैंकों की सेवाओं को बेहतर तरीके से उद्यमों तक पहुंचाने वाला अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे अधिक पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। और ये वास्तव में उत्तर प्रदेश की पोटेंशियल, हमने बीमारू राज्य से उत्तर प्रदेश को भार करके आज देश के विकसितम राज्यों की ओर अग्रसर कर दिया। दरअसल यूपी की 45 परियोजनाओं के लिए 43,180 करोड़ रुपए मिले हैं, जो कुल निवेश मदद का 16.2% है। गुजरात को 37,317 करोड़ रुपए मिले, जो कुल निवेश का 14% है। वहीं ओडिशा का कुल निवेश में 11.8% हिस्सेदारी है। वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश की यह हिस्सेदारी अभूतपूर्व रूप से बढ़कर 4.4% से 12.8% हो गई है।